अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो में मैं आपका तारुफ़ अपनी नई किताब से करवाऊंगा। इस किताब का नाम है कामयाब किरदार। इसके अंदर हमने 20 वो सफ़ात यकजा कर दी हैं जिनको अपनाकर आप जानबूझकर भी चाहते हुए भी नाकाम नहीं रह सकते। अगर ये सिफ़ात आप में आ गई तो इंशाल्लाह ताला तरक्की आपके पास खुद ब खुद चलती हुई आ जाएगी। हुआ यूँ कि तालीम और तरबियत के अंदर तालीम बाकी रह गई और तरबियत गायब हो गई। तालीम हम हासिल करते हैं अच्छी से अच्छी पैसे कमाने के लिए, अच्छी से अच्छी जॉब के लिए, लेकिन जो किरदार बनना था वो किरदार बनना बाकी रह गया और आजकल उसके पर कोई तवज्जो भी नहीं देता। तो इस किताब के अंदर जो गुफ्तगू पब्लिकेशन से अवेलेबल है और यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, आपको वो तमाम कामयाबियों की जो सिफ़ात हैं वो इसमें से मिल जाएंगी। इस किताब में हमने किया ये है कि पहले तो उस सिफ्त का हमने तारुफ करवा दिया है, फिर कुछ सवालात पूछे हैं जिसकी मदद से आप ये जांच सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर वो खसूसियात हैं या नहीं हैं, वो सिफ्त है या नहीं है। उसके बाद कुछ मश्क एक्सरसाइज हैं जिसकी मदद से आप हल्के हल्के वो सिफ़ात उस बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। ये पूरी किताब में जो 20 सफ़ात हैं ये तकरीबन 15 घंटे के अंदर आप पढ़ के समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए काफ़ी हो जाएंगी। इसको हम करेक्टर करिकुलम कहते हैं। ये सफ़ात आपने बच्चों को सिखा दी अपने, तो बाकी वो कुछ मज़ीद तरबियत में ज़्यादा कुछ सीखें ना सीखें ये उनके लिए काफ़ी हो जाएंगी, बिकॉज़ ये सफ़ात उनको आगे जो सफ़ात एक्वायर करनी है उनकी तरफ गाइड कर देंगी, रहनुमाई कर देंगी उनकी और बड़ी मददगार साबित होंगी। जो 20 सफ़ात हैं उसमें सबसे पहली जो सिफ्त है वो है कनेक्शन विद अल्लाह सुबहाना व ताला, कि अल्लाह से आप किस तरह कनेक्शन रखें, किस तरह बात करें, किस तरह ख़त लिखें, किस तरह अपनी रुदात बयान करें, किस तरह अपने गम और दुखड़े बयान करें और किस तरीके से ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत करते चले जाएं। ये ताल्लुक़ अगर आपके पास है तो 100 नेमतों की एक नेमत है। फिर हमने बात की है पर्पज़ ऑफ़ लाइफ के ऊपर, मकसद ज़िंदगी के ऊपर, हम सिरे से हैं क्यों, वाई वी एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। फिर हमने बात की ग्रिट के ऊपर, तहम्मुल के ऊपर, मुतहम्मिल मिजाजी के ऊपर। फिर बात की हमने ग्रेटिट्यूड और या शुक्रगुजारी के ऊपर। फिर बात हुई है जज्बाती जहानत और समाजी जहानत के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये क्या चीज़ें। फिर हमने बड़ी डिटेल में एक चैप्टर लिखा है माशी ख्वानदगी के ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, जो हमारे बच्चों में बिल्कुल नहीं पाई जाती पाकिस्तान में। शफ़क़त और रहमत के ऊपर बात है, काइंडनेस के ऊपर, दूसरों के एहतराम के ऊपर बात है, रिस्पेक्ट के ऊपर। हमने बात की है ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, क्यूरियोसिटी के ऊपर, दयानत के ऊपर, ऑनेस्टी, मोडेस्टी और आजजी के ऊपर, सेल्फ इस्टीम के ऊपर। हम लोग अपनी इज्जत नहीं करते, आप किस तरह अपने आप को अपनी नज़र में बेहतर बना सकते हैं। हमने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ट्रेवलिंग के ऊपर, एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर, बुक रीडिंग के ऊपर और डिसिप्लिन के ऊपर। ये वो 20 सफ़ात हैं जो हर शख्स में, हर बच्चे में होनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उम्मीद है इस किताब से आप फ़ायदा उठाएंगे, ख़ुद भी पढ़ेंगे, अगर आपके दोस्त अहबाब कोई हैं, आपके पास बच्चे हैं, कोई शागिर्द हैं तो आप उनको ये गिफ्ट भी कर सकते हैं। मिलते रहिएगा, मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।